अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हुज़ार नक़्सद आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम नान खताई बनाएंगे बेसन से, ठीक है, सीखिएगा और ज़रूर बनाइएगा। और हम बनाएंगे आज दही की कढ़ी, और आपको पता है मैं हमेशा बेसन की कढ़ी नहीं बनाती हूँ, दही की कढ़ी बनाती हूँ जिसमें बेसन बहुत कम होता है। और इसमें हम पकौड़े डालेंगे मेथी के। अब मेथी जो है मैंने चॉप नहीं की थी, आपको दिखाने के लिए मैंने रखी हुई थी। फेन्युग्रीक लीव्स होते हैं मेथी, बड़ी वाली, ठीक है, ये देखें दिस, ठीक है। इसको धो के अच्छी तरह रखिएगा और इसको फिर हम चॉप अप कर देंगे, कुछ मसालों के साथ मिक्स करेंगे, उसके पकौड़े बनाएंगे, तलेंगे, डीप फ्राई करेंगे उसको, और फिर हम कढ़ी बनाएंगे एक और पैन में, और फिर उस पकौड़ों को कढ़ी में डाल देंगे, और फिर आप उसको बॉयल चावल के साथ सर्व करें, खिचड़ी के साथ सर्व करें, पापड़ साथ हों, अचार हो, तो क्या ही बात है। ये हम सेकंड रेसिपी बनाएंगे। पहले हम बेसन की नान खताई की तरफ आते हैं। नान खताई जब भी बनाते हैं हमेशा याद रखिएगा सेमी सॉलिड घी होना चाहिए, ठीक है, ठंडा। सो इस तरह का होना चाहिए, मैंने इसको फ्रिज में आके रख दिया था, ठीक है। इट शुड बी लाइक दिस, पिघला हुआ नहीं होना चाहिए। ओके, सो मेरे पास है यहाँ एक कप बेसन, ग्राम फ्लावर, ये ठीक है। फिर मैंने एक चमचा डालना है इसमें चावल का आटा, राइस फ्लावर। प्लीज़ चावलों को पीसिएगा नहीं, चावल का आटा मिल जाता है आपको मार्केट में। फिर एक चमचा है सेमोलिना यानी सूजी, एक चौथाई कप है पिसे हुए बादाम, और ये जो है सेमी सॉलिड घी, क्लैरिफाइड बटर आधा कप वो है, आधा कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, एक चुटकी भर नटमेग पाउडर है, चुटकी भर डालेंगे, ये ज़्यादा है, इसमें मैं रख दूँ चमची बिफोर आई ऐड ऑल ऑफ इट। और उसके अलावा हम इसमें नमक डालेंगे, अगेन चुटकी भर, छोटी हरी इलायची का पाउडर एक चमचा भर के जाएगा, बादाम और पिस्ते हैं काट के मैंने यहाँ रख दिए हैं, इस तरह के रेडीमेड भी मिलते हैं, आपके पास नहीं हो तो आप बादाम पिस्ते चॉप कर दीजिएगा। और एक एक बेसन की नान खताई जब बनाएंगे तो उसके ऊपर हम रखते जाएंगे, समझ आ गई, सिंपल एज दैट। अब हमने क्या करना है, सारी चीज़ें मिक्स कर देनी है। सो हियर वी गो, बेसन, चावल का आटा, सूजी, ठीक है जनाब, फिर चुटकी भर ये नटमेग पाउडर, ये चला गया, फिर इलायची का पाउडर, छोटी हरी इलायची को पीसिएगा इसके छिलके समेत, फिर छानिएगा, फिर पीसिएगा, छानिएगा, इस तरह जब तक ये फाइन इस तरह का पाउडर नहीं हो। अच्छा जी, फिर इसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक, और नमक को मैं वहाँ रख दूँ। अच्छा, फिर हम इसमें एक चौथाई कप ये डालेंगे, क्या है ये, बादाम पिसे हुए, गर्म पानी में बादाम डालिएगा, छिलका उतारिएगा, पीस लीजिएगा, लेकिन सुखा के पीसिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, चीनी है, चीनी कितनी है, आधा कप, सब कुछ मिक्स मिक्स मिक्स। और ये है सेमी सॉलिड, ओके, सेमी सॉलिड होना चाहिए, पिघला हुआ नहीं होना चाहिए। फिर इसको बना के ना थोड़ी देर के लिए आपने रखना है फ्रिज में, थोड़ा सा इसका आटा जो है बेसन की नान खताई का ठंडा हो, फिर आप बॉल्स बनाएं, फिर आप इसको बेक करें, सब कुछ मिक्स करना है। इस स्टेज पे डो क्रम्बली है, अब देखें ऐसे करके मैं हाथ से उठाऊंगी तो ये ऐसे फॉर्म तो होगा, लेकिन मुझे इसको ठंडा करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक कप मैंने बेसन लिया था, एक चमचा इसमें चावल का आटा डाला था, राइस फ्लावर, एक चमचा इसमें मैंने सूजी डाली थी, एक चौथाई कप पिसे हुए बादाम थे, आधा कप घी हमने डाला हुआ है, क्लैरिफाइड बटर सेमी सॉलिड होना चाहिए, ठीक है, पिघला हुआ नहीं होना चाहिए, आधा कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, एक चमचा भर के छोटी हरी इलायची का पाउडर है, चुटकी भर नमक है, चुटकी भर जायफल यानी नटमेग है, और बादाम पिस्ते हम बाद में डालेंगे, सही है, समझ आ गई। इस डो को मुझे अच्छी तरह मिक्स करना है, मिक्स करके फ्रिज में रख देना है, ठंडा होगा, छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे हम इससे आइसक्रीम स्कूप से, और फिर रख देंगे ऑन आर बेकिंग शीट्स,
कोई भी ट्रे जिस पे आपको बेक करना हो, पार्चमेंट पेपर हो, थोड़ा सा ग्रीसी सा वैक्सी सा पेपर होता है वो रख दीजिएगा, नहीं हो नहीं आपको मिले तो सिलिकॉन के मैट हो वो डाल दीजिएगा, वो भी नहीं हो तो नॉनस्टिक ट्रे पे करिएगा कि नीचे कुछ लग ना जाए। पास वक्त नॉनस्टिक ट्रेज इस्तेमाल करते करते बहुत अरसे से पुरानी हो जाती हैं तो वो थोड़ी सी उसमें चिपक जाती है चीज़ें, इसीलिए मैं हमेशा ये सिलिकॉन मैट्स अपने साथ रखती हूँ। ये मैंने बहुत अरसे पहले ख़रीदे थे और ये बहुत अरसे तक चलते हैं, धो धो के इस्तेमाल करते रहें, पेपर भी नहीं आपको ज़ाया करना पड़ता और ये इस तरह के मैट्स पे कोई चीज़ चिपकती नहीं है। इस डो को मैं फ्रिज में रख दूँगी, फ्रिज में रखेंगे, निकालेंगे, फिर इसको बनाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, ब्रेक आएगी ना तो हम फिर उसके पकोड़े बना देंगे और दही की कड़ी उस वक्त बना लेंगे। देन वी विल बेक दीज लेटर ऑन। थोड़ा सा तो इसको ठंडा होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। मैंने क्या किया था, ये देखें आटा गूंथ के आप थोड़ी देर फ्रिज में छोड़ दीजिएगा, आप लोग आधा से एक घंटा फ्रिज में रखिएगा, ठीक है। दिस इज़ बेसन नान खताई का डो, फिर इसमें से हम नान खताइयाँ बनाएंगे और इसको हम बेक करेंगे बादाम पिस्ते लगा के। फिलहाल इधर इसको इधर ही छोड़ देते हैं, हम कड़ी की तरफ आ जाते हैं, कड़ी ओके एंड मेथी के पकौड़े। सो नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू, मैं एक दफ़ा आपको बता दूँ। ओके, मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, आधा कप जितनी आपने मेथी लेनी है, बड़ी वाली मेथी जो फेन्युग्रीक लीव्स होते हैं, ठीक है। धोइएगा, डंडियाँ अलग कर दीजिएगा, चॉप अप कर दीजिएगा, एक बोल में डाल दीजिएगा। मेथी के पकोड़े बनेंगे जो हम दही की कड़ी में डालेंगे। इसमें एक प्याज चॉप करके जाएगी, ठीक है। फिर इसमें बेसन, एक कप बेसन जाएगा, विच इज वेयर इज माय कप, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, डिपेंड्स कितना आपको, कितने पकोड़े बनाने हैं क्या है। ये एक कप बेसन चला गया, ओके अच्छा जी। फिर हम इसमें क्या डालेंगे, फिर हम इसमें नमक डालेंगे, ठीक है, नमक चला गया और लाल मिर्चों का पाउडर है एंड हल्दी है और बेकिंग पाउडर या इनो फ्रूट सॉल्ट डाल दीजिएगा। मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, इनो डालें तो पूरा सैशे नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है, जस्ट अ टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर, बेसन, प्याज, मेथी, बेकिंग पाउडर या इनो, हल्दी और हम इसमें अजवाइन डालेंगे या कैरम सीड्स। अब पकौड़ों में डाला करें, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए एंड डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ये चीज़ मैं चोरी करके खाती थी बचपन में फ्रॉम माय दादीज कबर्ड, आई यूज टू टेक इट आउट, मैं वो खाती थी। कुछ लोग मीठा खाते हैं, मैं वो चोरी करके खाती थी, सोचे ना ज़रा, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो वाई, आई यूज टू लाइक द टेस्ट ऑफ इट, अजवैन, तो मैं अजवैन खाती थी। शेफ़ कुकवेयर में हमने यहाँ तेल गर्म करने रख दिया है और 70 years old ब्रांड है, आप भी घर ला सकते हैं, majesticchef.pk। बहुत अच्छे एक्साइटिंग ऑफर्स इनके इस वेबसाइट पे हैं। ये पहली कंपनी है पाकिस्तान में नॉन स्टिक कुकवेयर इंट्रोड्यूस कराने के लिए और पहली कंपनी है जिन्होंने प्रेशर कुकर्स बनाए थे, ठीक है। 2-quart नॉन स्टिक कुकवेयर है, सैंड ब्लास्टिंग से जो बनाया जाता है, लीडिंग स्टोर्स पे अवेलेबल है, आप भी ज़रूर घर लाइएगा। और बेसन की नान खताई, मैं रिकैप कर दूं कि मैंने क्या किया था, एक कप मैंने बेसन लिया था, ग्राम फ्लावर, उसमें एक चमचा भर के चावल का आटा डाला था, एक चमचा सूजी थी, 1/4 कप पिसे हुए बादाम थे और आधा कप पिसी हुई चीनी थी, 1 चमचा भर के छोटी हरी इलायची का पाउडर था, चुटकी भर नमक, चुटकी भर जायफल पाउडर और आधा कप ठंडा वाला घी था। सब कुछ मिक्स कर दीजिए, बना लीजिए डो, रख दीजिए फ्रिज में, फिर निकालिए, छोटे छोटे बॉल्स बनाइए, बादाम पिस्ते डालिए, बेक कर दीजिए। चलिए एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाना। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, फरमाइए। आपका शो बहुत अच्छा है और बड़ी अच्छी आपकी जबरदस्त किस्म की जो है ना बेकिंग है। बहुत शुक्रिया, रेसिपीज खाने पाने की भी ट्राई करिएगा, ठीक है जी। जी बहुत अच्छा, आज ये आपकी जो मेथी पकौड़ा कड़ी है ना, ये बड़ी जबरदस्त लग रही है।
जरूर ट्राई करिएगा, समथिंग डिफरेंट होना चाहिए ना, गोश्त मछली खा खा के सब थक जाएं। जी जी, बहुत अच्छी लग रही है और इंशाल्लाह टेस्ट में भी मैं खासन बहुत मजे की। जरूर ट्राई करिएगा, थैंक यू सो मच। मैं ट्राई करूंगी जी। और फरमाइए जी, आज आपको क्वेश्चन है? नहीं, आज हमने कोई सवाल नहीं रखा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ओके, पकौड़ों में हमेशा बैटर में मैं भी तेल डालती हूँ, ऑलवेज। ठीक है, एंड पानी डालिए एंड फॉर्म कर दीजिए। बहुत पतला नहीं रखिएगा, बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। कड़ी बना के रख दीजिएगा, पकौड़े बाद में तल के अलग से रखिएगा, एंड देन यू कैन ऑलवेज एड इट लेटर खाने के वक्त। अगर आप इनो डाल रहे हैं तो बिल्कुल एंड में डालिएगा, ठीक है, बैटर बना के एंड में डालिएगा और फिर फ्राई कर दीजिएगा। इनो कभी भी किसी भी चीज़ में ढोकले हों या किसी भी चीज़ में आप डाल रहे हों, एंड में डालते हैं, एकदम से डाल के रखते नहीं हैं उस चीज़ को। हम अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा। मैंने क्या किया, बेसन, लाल मिर्चों का पाउडर, मेथी, प्याज, हल्दी, बेकिंग पाउडर, नमक और अजवैन, ये सब कुछ मिक्स कर दिया, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा पानी। अब आपको इसको फ्राई करना है। तेल यहाँ गर्म हो चुका है, वी जस्ट यूज अ स्पून और उससे हम डालते जाएंगे। और कॉलर है हमारे साथ एक। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही है, कहाँ से? मैं गजल बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी फरमाइए, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप सुनाएं। जी शुक्र है, मैं ठीक हूँ। ये जो आप रेसिपी बता रही है ना, मेथी पकौड़ा कड़ी, ये बहुत अच्छी लग रही है, ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह संडे को जरूर ट्राई करेंगे। ओके ग्रेट, ठीक है, थैंक यू सो मच। और जानने की एक फरमाइश थी आपसे। जी, मुझे ना लेमन टार्ट की रेसिपी सिखा दें। लेमन टार्ट बेक किया हुआ कि वो पाइप करके जो बनाते हैं? नहीं नहीं, बेक किया हुआ। लेमन टार्ट बेक किया हुआ करेंगे, जरूर करेंगे। ये प्लीज 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 मुझे बता दीजिएगा। ओके ठीक है, बताएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जस्ट मेक श्योर बेसन छना हुआ हो, लम्स नहीं हो। और आपने, मैंने तेल बंद कर दिया था बिकॉज तेल हैड बिकम वेरी हॉट। इसको हम यहाँ रख देते हैं फिलहाल, ठीक है, फिर जल जाएंगे पकौड़े। छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाती हूँ मैं बिकॉज दही की कड़ी में मुझे बड़े बड़े पकौड़े अच्छे नहीं लगते हैं। जितने छोटे होंगे, टाइम लगेगा आपको इंडिविजुअली एक एक फ्राई करने में, लेकिन बहुत ही अच्छा रहता है बेसन की कड़ी में। बस अब इसको ओवर क्राउड नहीं करते हैं, एक बैच को होने देंगे फ्राई और फिर हम निकाल देंगे छन्नी में। उसके बाद एक ही दफ़ा हम ब्लेंड करेंगे दही को चीज़ों के साथ और फिर हम उसकी कड़ी बना देंगे। और दही की कड़ी हमेशा, मैं दही ज़्यादा बेसन कम इस्तेमाल करती हूँ। बाज़ वक्त क्या होता है, लोग बेसन बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, मुझे वो ज़्यादा वाले बेसन वाली कड़ी अच्छी नहीं लगती। आई लाइक मोर दही एंड लेस बेसन, ज़रा गुजराती स्टाइल वही होता है ना। अच्छा, इसको निकाल के बनाना शुरू कर देती हूँ मैं बिकॉज फिर इसको भी टाइम लग जाएगा और ये बहुत ठंडा हो जाएगा, फिर ये फॉर्म नहीं होगा। मैं कहाँ काम करूँ, ऐसे करें कैमरा इधर ले आए आज जगह नहीं है, मैंने सब फैला दिया है आज। बिल्कुल हल्की सी अब आँच खोल देते हैं वापस। Should I do it there? कहाँ है, करूँ मैं? देखें, ये इस तरह छोटे छोटे बॉल्स हमने बनाने हैं। ये नज़र आ रहा है, यहाँ आ रहा है कि नहीं, कि वाओ, कोई बोले तो सही, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। जारना किधर छुप के काम कर रही है आज, जारना किधर छुप गई है, बस ठीक है। इस तरह के तो बॉल साइड पे करे तो जारना काम कैसे करेगी, ये तो बताएं। अब नज़र आ रहा है गाइज, जस्ट से यस और नो, ठीक है। इस तरह थोड़े थोड़े सेम साइज के प्लीज बॉल्स होने चाहिए, हाँ, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ आऊंगी तो फिर वहां कौन रहेगा, दो जारनक होनी चाहिए, टू जारनक्स।
जस्ट लेट दिस फ्राई, ये हल्के पे ही मैंने छोड़ा हुआ है कि ये फ्राई हो जाए बस। छोटे बॉल्स बना के फिर हम उसको फ्लैट करेंगे, फिर उसमें हम बादाम पिस्ते डालेंगे। देखें नान खताई बनाने का जो की जो सीक्रेट है ना, वो ठंडा घी है। पहले भी मैं बना चुकी हूँ बादाम की, प्लेन सब कुछ बना चुकी हूँ। पारसी स्टाइल नान खटाई भी मैं बनाने वाली हूँ, देखिएगा वो कैसे हम बनाते हैं। वो बहुत मज़ेदार की होती है, बहुत डिफरेंट होती है। वो वाली नान खटाई नहीं है जो हम लाहौर में एक फेमस बेकरी से खाते हैं ना, वैसी नहीं है ये, एक डिफरेंट किस्म की नान खटाई है, पिसे हुए बादाम के साथ जो हम लोग सूजी के साथ बनाते हैं। ये मैं इसलिए इस तरह रखती जा रही हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट कि इसके छोटे छोटे बॉल्स हो जाएं, और फिर हम अब देखें ना थोड़े से रह जाएंगे ना, तो मैं ज़रा थोड़ा सा करीब कर दूं, और अब हम वहाँ लेके आते हैं, फिर बादाम पिस्ते डालते हैं, फिर इसको बेक करने रख देते हैं। थोड़ा सा हम फ्लैटन करेंगे ताकि बादाम पिस्ते अंदर रहें। ओके समझ आई, एक ही ट्रे में काम हो गया आज तो। अच्छा इसको भी देख लेते हैं एक और दफा, नाइस एंड गोल्डन मेथी के पकोड़े, मेथी और प्याज भी है अंदर। ब्रेक की तरफ हमें चलना है तो मैं क्विकली दिखा दूं नान कताई के साथ क्या करेंगे। फ्लैटन, जरा फ्लैटन 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 फ्लैटन, एंड इस तरह जस्ट पुट अ फ्यू पिस्ते बादाम, ठीक है जी। और इसको हम बेक करने रख देते हैं, आप लोग ब्रेक की तरफ चलिए, ब्रेक से आएंगे पूरा रिकैप करूंगी, दही की कड़ी बनाएंगे हम, और हम तलते जाएंगे और मज़ीद मेथी के पकौड़े। सो स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज़ और मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, और मैं बना रही हूँ आज मेथी के पकोड़े, ठीक है, और दही की कड़ी उसमें हम डालेंगे। बेसन की नान खटाई अवन में जा चुकी है, अब मेरे पास यहाँ है दही। दही में हम डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, बेसन, थोड़ा सा पानी और ब्लेंड कर देंगे। इसको फिर हम हल्की आँच पर पकाएँगे, और फिर जब ये सारे पकौड़े तल लेंगे हम, उनका एक्स्ट्रा तेल हम यहाँ ड्रेन कर देंगे, तब वो पकोड़े डालेंगे, सर्व करेंगे खिचड़ी के साथ, पापड़ के साथ। ओके अब तड़का भी बनेगा इसका, पहले हम दही की कड़ी बना लेते हैं, फिर मैं पूरा रिकैप भी करूँगी। इसी में हम थोड़ा पानी डाल देते हैं, ओके हार्डली हैव आई डन दिस बट टुडे वी हैड टू डू दिस। धनिया पाउडर जाएगा इसमें, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, हल्दी है और नमक है, बेसन है, अगर आधा किलो दही है तो 3 चमचे में बेसन डालूंगी इसमें, ठीक है। सब कुछ डन एंड जस्ट ब्लेंड। इनको मैं निकाल देती हूँ जो पकौड़े हो गए हैं हमारे। मैं बहुत छोटे पकौड़े पसंद करती हूँ, अगर आपको बड़े बड़े अच्छे लगते हैं तो आप बड़े बड़े डालिएगा, हाथ से डालिएगा, चम्मच से डालिएगा, वट एवर यू फील कम्फर्टेबल इन। कॉलर्स कहाँ हैं हमारे आज, नंबर्स तो चलाइए ना। एक और बैच हमारे पकौड़ों का हो गया, अब हम एक लास्ट बैच इसमें डाल देते हैं ताकि फिर। जी जी कॉलर हैं, कौन है, हेलो,
आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइए आयशा, क्या हाल है? ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने फरमाइए। जी बोले हैं। फर्स्ट टाइम कॉल मिली है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। अच्छा, मुझे लग रहा है आप बहुत नर्वस हैं, एक्साइटेड, एक्साइटमेंट से ज्यादा तो आपको नर्वसनेस हो रही है। कोई बात नहीं ना, बात करें, आप नर्वस नहीं हो। जी जी बोले। मुझे ना आपसे फरमाइश करनी थी। अच्छा जी, किस चीज की, क्या बनाऊं? बेसन का हलवा। बेसन का हलवा? जी बेसन का हलवा मैं बना चुकी हूँ, रेसिपी ले लीजिएगा नेट से, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को नई नई चीजें सिखाऊं, पुरानी पुरानी नहीं। और ये आप पकौड़ा कड़ी जो बना रही है मेथी की, ये बहुत अच्छी बनेगी। अच्छी, आप भी ट्राई करिएगा, बनाइएगा, बेसन की नान खटाई भी बनाइएगा, ठीक है? ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, नाउ वी ब्लेंड। थोड़ा सा पानी और। पता है क्यों ब्लेंडर में मैं ब्लेंड कर देती हूँ, ताकि बिल्कुल भी इसमें लम्प्स नहीं हो, बिल्कुल फाइन होनी चाहिए। अच्छा जी, मैं एक्सप्लेन कर दूँ मैंने क्या किया था। पकौड़ों के लिए मैंने बेसन लिया था, लाल मिर्चों का पाउडर डाला, मेथी डाली चॉप करके, बड़ी वाली जो मेथी होती है वो अच्छी तरह धोइएगा, ठीक है? डंडियाँ अलग कर दीजिएगा, प्याज चॉप करके डाली, हल्दी इसमें गई, आप इनो फ्रूट सॉल्ट डाल दीजिए या बेकिंग पाउडर, मैंने बेकिंग पाउडर डाला था, नमक गया और अजवाइन गए, और बैटर बना के थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा। डीप फ्राइंग के लिए तेल गर्म करिएगा, उसमें वो बैटर एक एक चम्मच डाल के पकौड़े बना के तल के यहाँ रख दीजिएगा एक छन्नी में जिसमें नीचे बोल हो। फिर हमने क्या किया, कड़ी, हाँ मैंने बैटर में थोड़ा सा पानी डाला था, और ऑब्वियसली उसको बैटर बनाने के लिए थोड़ा सा एक चमचा तेल भी मैं डालती हूँ। कड़ी के लिए मैंने ब्लेंडर में दही, बेसन, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक और धनिया पाउडर डाल दिया था, और अच्छी तरह ब्लेंड कर दीजिएगा थोड़े से पानी के साथ। फिर जब ये ऐसे हो जाए तो आप पैन में निकालिएगा, ये शेफ़ कुकवेयर में हम इसको निकाल रहे हैं, और हल्की आँच पर यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, देखें कितनी स्मूथ है, इसलिए कि मैंने इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं छोड़े, वो डाल दिया था मैंने, इसका वो कहाँ गया चमचा, मैंने पानी थोड़ा सा और डालना है, तो दिस इज़ क्वाइट थिक। 2-2.5 कप्स वाटर जाएगा आधा किलो दही में। जी कॉलर हैं, हेलो हेलो। जी जी, मैं डॉक्टर तहमीना बोल रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। जी आपके, मैं बहुत अच्छे से आपको देखती हूँ, और आपके ये जैसे सब लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं भी कोई यंग नहीं हूँ, आई एम 60 years old, और जब आप ये सिखा रहे होते, बहुत अच्छी तरह सिखा रहे होते, लेकिन एक जब डॉक्टर सीख रहा हो तो मुझे कभी कभी लगता है कि आपको भी अगर ऑपरेशन दिखाया जाए दो एक दफा, और फिर कहा जाए कि चले जी ऑपरेशन कर दें, तो आप कर देंगी? क्यों, आप क्या कहना चाह रही हैं, पहले तो आप जवाब दें मुझे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे आपके हाथ में पाइपिंग बैग एक्ट करता है ना, वैसे मेरे हाथ में नहीं एक्ट करता। अब देखे मैं, वो तो है, सीरी आपा के हाथ में करता है, वैसे मेरे हाथ में तो नहीं करता है ना। अब सबके हुनर अपने अपने हैं, ठीक है ना? मेरा बेटा भी डॉक्टर बनना चाहता है, और अभी तो इस पहले साल में ही है मेडिकल में, वो अभी से कह रहा है मुझे सर्जन बनना है, तो वो हर चीज को सीने की कोशिश कर रहा है आजकल घर में बैठे बैठे। अच्छा अच्छा, बताए इतने मजे की बात है, आपने एक दो वो प्रेट्जल बनाए थे ना? क्या बनाए थे? प्रेट्जल बनाए थे, प्रेट्जल्स। हाँ,
हाँ तो वो पता है क्या, उसमें ना एक स्टेप था, और एक स्टेप था कि उसको ना ल्यूक वार्म वाटर में वो सोडा मिलाया हुआ में डिप करके फिर उसको रखना था। जी जी, मुझे बहरहाल वो देखते हुए ही लग रहा था कि ये तो इतना कोई डिफिकल्ट चीज है कि आई वॉन्ट बी एबल टू डू इट। क्यों क्यों? लेकिन वो मेरे से तो कभी रोटी तवे में पूरी नहीं गई, तो इस तरह मुझे लग रहा था कि ये जरूर स्लिप हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। इन एनी वे वो मुझे बार-बार मैं ये पूछ रही थी अपने बेटे से, मेरा बेटा भी डॉक्टर है। अच्छा। मैं तो कह रही थी कि ये इसका रैशनाले क्या है कि इसको इसमें डिप करके और फिर उधर उस पे रखना, तो इट वोंट गो ना। और मजे की बात ये कि जब वो मैंने रखने लगी, तो जब वो ओवन ऑन करने का वक्त था, तो आई रिसीव्ड अ कॉल कि समबडी इज हर्ट। और मैं उसका ना वो ऑन करना, जो टाइमर था ना वो ऑन करना भूल गई। अच्छा। और जी मैं किचन से बाहर आ गई उनकी कॉल सुनते सुनते, और आधे घंटे के बाद में जाके तो जरनक का तो इतने जल्दी बन जाता है, मेरा कुछ नहीं बन रहा। और इतने मजे की बात है कि वो 2 घंटे पड़े रहे, और मैंने ये नहीं देखा कि मैंने टाइमर तो ऑन ही नहीं किया हुआ, और ना वो ऑफ हो रहा है ना कुछ हो रहा है। वो मैं उनके साथ ही लगी रही, अपने पेशेंट के साथ ही फोन पे। जाहिर है पेशेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, प्रेजल तो बाद में भी बन जाएंगे जी। और दूसरे दिन मैंने अपनी मेड को ये कहा ना कि ये जाके चिड़ियों को डालो जो भी बनाना था, तो वो कहती है कि पाजी तुझी बनाना कीजिए। मैंने कहा जो भी बनाना था, अब ये कुछ भी नहीं बना है, ये पहले ही मुझे लग रहा था कि ये मेरे काम का नहीं है। लेकिन यू आर अमेजिंग, आई मस्ट अप्रिशिएट यू। एंड अनदर थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू इज कि आप बेप्सी सिद्धवा की रिलेटिव है? नहीं, बेप्सी एंड वी शेयर द सेम सरनेम। सिद्धवा इज अ वेरी कॉमन सरनेम जी पारसियों में। बेप्सी को हम जानते हैं फ्रॉम लाहौर, शी वॉज अ वेरी गुड फैमिली फ्रेंड। अच्छा जी। अच्छा, इसलिए क्योंकि माय सन हु इज अ डॉक्टर इज वेरी मच इन लिटरेचर। अच्छा। सो मैं तो आपकी फैन हूँ ही, लेकिन ही इज वेरी मच अगेंस्ट यू, बिकॉज ही सेज कि जी ये जरनक की रेसिपी होगी जो आपने बनाई होगी। जी जी, अब जरनक का नाम ऐसे नहीं करें, आप दोबारा बनाइए प्रेट्ज़ल खुदा के लिए। नहीं, मैं आई विल ट्राई, बिकॉज मैंने आपकी बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की हैं जो आप वो बनाती हैं ना, उनमें वो जो वाटर ट्रे में रख के। अच्छा, ओके। तो वो बहुत अच्छी बनती हैं, और वो सारे मैंने बहुत ज्यादा ट्राई की। आपके सारे डेजर्ट्स जो हैं दे आर अमेजिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। जाहिर है बेकिंग तो कभी भी हो जाएगी, पेशेंट को आप डील कर रही थी तो कोई बात नहीं, प्रेजल ख़राब हो गए, वो चिड़ियों की किस्मत में था वो आटा। तो आप दोबारा किसी दिन ट्राई करिएगा, फिर मुझे फ़ोन करके बताइएगा प्रेजल्स कैसे बने, ठीक है? और ऑब्वियसली मेरा काम ये है, मैं तो खून देख के फेंट हो जाऊंगी, तो मैं तो नहीं ऑपरेशन थिएटर में जा सकती, और मेरा बेटा आके मुझे सारी बातें बताता है, आज ये हुआ आज वो हुआ। मैं कहती हूँ मुझे नहीं बताओ, मुझे नहीं सुनना है क्या हुआ। सो इट सबका अपना एक शौक होता है, पैशन होता है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू ऑल द डॉक्टर्स जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली कोविड के ज़माने में दे आर रिस्किंग देयर ओन लाइव्स एंड देयर फैमिलीज लाइव्स। सो बिग थैंक यू टू ऑल द डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दे आर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स, थैंक यू। चलिए अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। आपने देखा ये कड़ी को मैंने हल्की आँच पर छोड़ दिया है, और मैं विस्क चलाती जा रही हूँ कि बेसन कहीं जाके गुठली नहीं फॉर्म कर ले। और पकोड़े सारे हो गए हैं, बेसन की नान कताई हमारी हो रही है। स्टे ट्यून्ड, अभी वक्त है, बहुत सारी बातें करेंगे, तो देखते रहिए मसाला टीवी। जी मैं यहाँ हूँ, वेलकम बैक। मैं ये नान खताई को निकाल रही हूँ, बेसन की कड़ी हमारी हो गई थी। प्लीज़ बेसन की जो कड़ी है ना, कड़ी जो है ना उसमें बेसन कम दही ज़्यादा, हाँ ये रेशियो याद रखिएगा प्लीज़। और इसको बहुत गाढ़ी नहीं करनी है, बिकॉज़ जब आप इसमें पकोड़े डालेंगे तो खुद ब खुद इसमें ये थोड़ी सी वो हो जाएगी, इट विल अब्सॉर्ब मोर, राइट? ये देखें। अच्छा, अब क्रैक कैसे ना हो, ठंडा और करना है, आपने 1 घंटा फ्रिज में रखना है। घी जब मिक्स करें वो भी ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल पिघला हुआ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, इस आटे को बना के रख दीजिएगा, ठीक है? मगर टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सो डेफिनेटली ट्राई आउट द रेसिपीज़। अच्छा ये देखिए, मैंने जो मेथी के पकोड़े फ्राई किए थे, इतना सारा तेल इसमें से निकला है। सो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप पकोड़े जब भी बनाएं तो आप हमेशा फॉर द क्रिस्पीनेस, कैन यू हियर दिस आवाज़, क्रंची बेकिंग पाउडर की वजह से, ट्राई करिएगा। ओके, कड़ी
ये देखें, ये होना चाहिए, इसका जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो इस तरह की पतली होनी चाहिए, प्लीज़ गाढ़ी नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। और ये रेडी है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे थोड़ा सा घी, कोई छोटे फ्राइंग पैन में या तड़का को पैन हो आपके पास उसमें डाल दीजिएगा घी को, जीरा जाएगा और दालचीनी की स्टिक और छोटी गोल मिर्चें बस। फिर इनमें ऊपर से हम धनिया डाल देंगे और ये जो हमारी डिश है उसमें हम कड़ी निकाल देते हैं। ये हो गया है ना, पहले हम ये कर लेते हैं, टीस्पून ऑफ ज़ीरा, दालचीनी, छोटी मिर्चें, आपको कड़ी के पत्ते डालने हैं वो भी आप डाल सकते हैं। क्लियर डिश में मैं निकाल रही हूँ, सी थ्रू। तेल में करना है, तेल में करिए, मैंने घी में तड़का किया है, कुछ चीज़ों में मैं घी इस्तेमाल करती हूँ। एंड पकौड़ों की भी हमें जगह छोड़नी है, सो थोड़े से पकौड़े। जी कॉलर हैं हमारे साथ, कौन है जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, तड़का गोज़ ऑन टॉप। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या है आपका? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। हाँ जी, बड़ी अच्छी कड़ी बना रही हूँ। ट्राई करिएगा, बनाइएगा आप भी। हाँ जी, बड़ी जल्दी बड़ी आसानी से बना रही है। तो आसानी से ही सारा खाने बनते हैं मेरी बहन। अच्छा है ना, क्यों आपको खाना पकाना मुश्किल लगता है क्या? जी हाँ नहीं, यहाँ पे ना मतलब के लाहौर में ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है उसका बनाने का। जारनक लाहौर में भी आके आसान कड़ी बनाना सिखा देगी, लंबा चौड़ा कहाँ प्रोसीजर है, ये देखे ना, ये ऐसे डाला ऐसे बन गया सब कुछ। जी जी, और नान खटाइयाँ भी ना बड़ी अच्छी बनाई है, मजे की खुशबू आ रही है, ट्राई जरूर करिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू जी, फरमाइए और कुछ? और हम कोशिश करते रहते हैं, कॉल नहीं मिलती। चले ना, आज मिल गई ना, आपकी किस्मत में जिस दिन मुझसे बात करनी थी उस दिन कॉल मिल गई। अच्छा, मेरी डॉटर्स ने भी की थी आपसे बात ना, जो मेरी ट्विन डॉटर है ना। अच्छा अच्छा, और कुछ? और बस आपका बहुत शुक्रिया, आप इतना कुछ सिखाती हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग देखते हैं, सीखते हैं, बनाते हैं, मेरे साथ रहते हैं, ट्राई करते हैं। अच्छी भी माशाल्लाह आज अच्छी लग रही है, फ्रेश फ्रेश लग रही। अच्छा, फ्रेश फ्रेश लग रही हूँ। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी, थैंक यू। हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, क्लीन अप करेंगे, आएंगे फिर और मजीद बातें करेंगे, स्टे ट्यून्ड। बेसनी नान खटाई, अजसा बेसन एक कप, चावल काटा एक खाने का चमचा, सूजी एक खाने का चमचा, पिसे बादाम एक चौथाई कप, घी आधा कप, पिसी चीनी आधा कप, पिसी इलायची एक खाने का चमचा, पिसी जायफल एक चुटकी, नमक एक चुटकी, बादाम या पिस्ते हसबे ज़रूरत। तरकीब, एक प्याले में बेसन, चावल का आटा और सूजी मिक्स करें, फिर इसमें पिसी चीनी, पिसी इलायची, पिसे बादाम, नमक और पिसी जायफल मिलाएं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालकर डो तैयार करें, तैयार डो से दो से तीन पेड़े बनाएं और प्लास्टिक शीट में लपेटकर 20 से 30 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा करें। बेक करने से पहले डो के छोटे पेड़े बनाएं और हाथ से बेलकर फ्लैट करके ऊपर बादाम और पिस्ते लगा दें। बेकिंग ट्रे या शीट पर फासले फासले से कुकीज़ रखते जाएं और 180 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म ओवन में 20 से 25 मिनट या गोल्डन होने तक बेक करें, फिर कुकीज़ ओवन से निकालें और जाली पर ठंडा होने दें। मेथी पकौड़ा कढ़ी, अज्जा, कटी ताज़ा मेथी आधा कप, कटी प्याज एक अदद, बेसन एक कप, पिसी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, पिसी हल्दी आधा चाय का चम्मच, फ्रूट सॉल्ट या बेकिंग पाउडर एक चौथाई चाय का चम्मच, अजवाइन एक चाय का चम्मच, तेल फ्राइंग के लिए
कड़ी के अज्जा, दही एक कप, बेसन 3 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तड़के के अज्जा, घी 2 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, सूखी लाल मिर्च 1 अदद, दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तरकीब, पकौड़े बनाने के लिए एक प्याले में बेसन, पिसी लाल मिर्च, कटी ताज़ा मेथी, प्याज, पिसी हल्दी, फ्रूट सॉल्ट या बेकिंग पाउडर और अजवाइन मिक्स करें और थोड़ा पानी डालकर पकौड़ों का बैटर तैयार कर लें। फिर तेल गर्म करके चमचा भर पकौड़ों वाला अमेजा तेल में डालते जाएं। पकौड़े गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक तलें। कढ़ी बनाने के लिए एक सॉस पैन में दही, बेसन, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, नमक और आधा कप पानी डालें। अब विस्क से अच्छी तरह फेंटें यहाँ तक कि कढ़ी मुलायम और गाढ़ी हो जाए। फिर धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं और आखिर में पकौड़े डालकर 5 मिनट दम दें। इसी दौरान तड़का तैयार करने के लिए एक पैन में घी गर्म करके जीरा, दालचीनी और सूखी लाल मिर्च फ्राई कर लें। तैयार कढ़ी एक गहरे प्याले में निकालें और तड़का लगाकर हरे धनिए से गार्निश करके गर्म सर्व करें। बेसनी नान खताई अज्जा, बेसन 1 कप, चावल का आटा 1 खाने का चमचा, सूजी 1 खाने का चमचा, पिसे बादाम 1/4 कप, घी आधा कप, पिसी चीनी आधा कप, पिसी इलायची 1 खाने का चमचा, पिसी जायफल 1 चुटकी, नमक 1 चुटकी, बादाम या पिस्ते हस्बे ज़रूरत। बैक 5 बजे लज्जत ज़रूर देखिएगा। वेजिटेबल खिचड़ी और मटन गोश्त बनेगा, मटन गोश्त नहीं, दाल गोश्त बनेगा, क्या हो गया है मुझे आज। और देखिएगा ज़रूर उनके शो भी, प्लीज़। अबील और समीना आपा लाइव होंगी। आज मैंने बना लिया है दही की कढ़ी जिसमें मैंने मेथी के पकौड़े डाले हैं, ठीक है। और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, उसमें हमने ऊपर से तड़का भी डाला था। एंड दिस इज़ द बेसन की नान खताई, बहुत मज़े की खस्ता सी बनी है। मसाला टीवी फूड मैगजीन अक्टूबर का शुमारा आ चुका है मार्केट में, आप भी ज़रूर लाइएगा घर, जस्ट फॉर 160 रुपीज़। बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ हैं इसमें, देखते हैं हमने क्या बनाया है। ओके, सो ज़ारनट ने क्या बनाया था फूड डायरीज़ में, ओलिवियर सैलड होना चाहिए था, बट खैर जो भी है ओलिवियर सैलड है। ओके, एंड चिकन पेने कैसरोल है, चिकन विंग्स हैं, कीटो लज़ानिया है, ग्रिल सैंडविच है, उसके अलावा फज ग्लेज पीनट बटर केक है, बाओ बंस हैं। आप ज़रूर घर लाइएगा मैगज़ीन, सारे हमारे शेफ्स की इसमें रेसिपीज़ हैं, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं, सो फ़ायदा उठाइए। हो गया, दिस विल स्टे लाइक दिस। ओके, सो आई होप आप लोगों ने इन्जॉय की है सारी रेसिपीज़, आप लोग बनाएंगे और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और कल अब मुलाकात होगी, आई एम गोइंग टू मेक आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और क्या था कल, कल क्या बना रहे हैं हम? ओके, मुझे भी नहीं याद, देखें ना, खाना खा के आई थी फिर भी भूल गई। बेसन की नान खताई ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। आज का शो रात में 12 से 1 रिपीट होता है और सुबह में 9:30 बजे रिपीट होता है, ठीक है। 3:30 से 4:30 पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे में आपके साथ लाइव हूँ मसाला टीवी पे, और यूट्यूब पे भी आप हमें देख सकते हैं, हमारे सारे शोज़ वहाँ हैं। कुछ भी मिस आउट हो जाए, कुछ भी आपको सीखना हो, फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा कैसे बनाया था ज़ारनक ने, तो आप लिख लीजिए पिज़्ज़ा बाय ज़ारनक सिद्वा, गूगल कर दीजिए और हर रेसिपीज़ सारी आ जाएंगी। अब तो कितने साल हो गए मुझे, 31st को इस महीने की 9 साल हो जाएंगे मुझे यहाँ मसाला टीवी पे। सो ऑब्वियसली सो मैनी 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 रेसिपीज़ हैव बीन मेड फूड डायरीज़ में, दूसरे शोज़ में, कितने सारे मैंने थीम वाले रिकॉर्डेड वाले शोज़ भी किए हैं, उसमें भी कितनी रेसिपीज़ शेयर की थी। आई डोंट इवन रिमेंबर मैंने इतने सालों में कितनी रेसिपीज़ बनाई हैं सो फार। एनीवेज, चलिए अब मुलाकात होगी कल, हमारे साथ रहिएगा। दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।